उत्पत अध्याय 28। ता इसहाक ने याकूब नु बुलाया और उसनु बरकत दित्ती और ये आक के उसनु हुकम दित्ता कि तू कनानी तियां विच्छों तीवी ना करी उठ बदन आराम नु अपने नाने बतियेल दे कर जा और उत्तो अपने मामे लाबान दियां तियां विच्छों एक अपने लई तीवी विया लई अते सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेनु बरकत देवे और तेनु फलवंत बनावे और तेनु वदावे और तू बहुत कोमांदा दल होवे अते वो तेनु अब्रहाम दी बरकत अते तेरे नाल तेरी अंसुनु भी देवे तांजो तू अपनी मुसाफरी दे देश नु जेड़ा परमेश्वर ने अब्रहाम नु दित्ता विरसे विच करें। सो इसहाक ने याकूब नु तोर दित्ता और वो बदन आराम विच लाबान दे कोल गया जेड़ा आरामी बतियेल दा पुत्तर और याकूब और एसाव दी माता रिबका दा प्रासी। जां एसाव ने वेखिया कि इसहाक ने याकूब नु बरकत दित्ती और उसनु बदन आराम विच कलिया पई उत्तो अपने लई तीवी करें अते उस उनु बरकत दित्तियां आकियां पई तू कनानियां दियां तियां विच्छों तीवी ना करें अते याकूब अपने माता पिता दी सुन के बदन आराम नु चलिया गया। जां एसाव ने ये वेखिया कि कनान दियां तियां मेरे पिता इसहाक दियां अखां विच बुरियां हन तां एसाव इस्माइल कोल गया अते अब्रहाम दे पुत्र इस्माइल दी ती और नबायोत दी पैन महलत नू अपने लई लेके अपनियां दूजियां तीवियां दे नाल रला लिया। याकूब बयरशबा तो चल के हारान नू गया अते इक तांते अपड़िया और उते रात कटी क्यों जो सूरज डूब गया सी और इक पत्थर उस तांतों लेके अपने सिराने रख लिया और उस तां लेट गया अते इक सुफना डिठा अते वेखो इक पौड़ी धरती उत्ते रखी हुई सी और उस दी चोटी आकाश तिक सी और वेखो परमेश्वर दे दूत ओदे उत्ते उतर दे सन। वेखो यहोवा उस दे कोल कलोता सी और उस आखिया मैं यहोवा तेरा पिता अब्रहाम दा परमेश्वर हां और इसहाक दा परमेश्वर हां जिस धरती उत्ते तू पिया है मैं तेनु और तेरी अंश नु दियांगा और तेरी अंश धरती दी तोड़ वांगर होवेगी और तू लहंदे और चढ़दे और उत्तर और दक्कन वल फुट निकलेगा और इतों और तेरी अंश तो पृथ्वी दे सारे टब्बर बरकत पाऊंगे। वे मैं तेरे अंग संग हां और जित्ते किते तू जाएंगा मैं तेरी राखी करांगा और तेनु फिर इस देश विच ले आवांगा और जिन्ना चिर तिक तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवा तेनु नहीं विसारांगा। फिर याकूब अपनी नींदर तो जागिया और आखिया सचमुच यहोवा इस तान विच है पर मैं ना जाता अते उस पैर काके आखिया ये अस्थान किड्डा भयानक है परमेश्वर दे कर दे बिना ये होर अस्थान नहीं है सगों ये ता आकाश दी देवड़ी है। याकूब सवेरे उठिया और उस पत्थर नु लेके जेड़ा उसने सिराने लई रखिया सी तम ले खड़ा किता और उस उते तेल डोलिया उसने उस अस्थान दा नाव बेतेल रखिया पर पहला उस नगर दा नाव
लूज है सी। याकूब ने ये आख के सुख ना सुखी पाई जे यहोवा परमेश्वर मेरे अंग संग होवे और इस मार्ग विच जिस विच मैं तुरिया जानदा हां मेरी राखी करें और कान नु प्रसादी और पाउन नु वस्त्र मेनु देवे अते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नु मुड़ा ता यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा अते ये पत्तर जिसनु मैं कम कड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा और सारिया चीजां दा जो तू मेनु देवेगा मैं जरूर तेनु दसवंत दियांगा। पहला सामियल दी पोती अध्याय 7। तद किरियात यारीम दे लोग आए अते यहोवा दे संदूक नु ले जाके अबिनदाब दे घर विच तरिया जो टीसी दे उत्ते है अते ओदे पुत्र अलियाजार नु पवित्र कीता जो ओ यहोवा दे संदूक दी वेखभाल करे अते अजिहा होया जो उस वेले तो जद संदूक किरियात यारीम विच रिहा फिर देर चिर बीत गया क्यों जो उसनु भी वरे हो गए अते इस्माइल दे सारे टब्बर ने विरलाप नाले यहोवा दी तांग कीती। सामियल ने परमेश्वर दे सारे टब्बर नु सद के आख्या जे कदी तुसी अपने सारिया मना नाल यहोवा दी वल मुड़ो ता उन्ना उपरिया देवतियां अते अस्तरोत नू अपने विचकारों कड सुट्टो अते यहोवा दी वल अपने मना नू सुधारो अते उसे इक दी सेवा करो ता वो फलिस्तियां दे हत्तों तुहाडा छुटकारा करेगा। तद इस्राएल याने बालीम दे अस्तरोत नू कड सुट्टिया अते निरी यहोवा दी ही सेवा कीती। फिर सामियल ने आख्या मिस्फा विच सारे इस्राएल नु इकट्ठियां करो ता तुहाडे लई मैं यहोवा अगे बेनती करांगा। सो वो सबे मिस्फा विच इकट्ठे होए अते पानी पर के यहोवा दे अगे डोल दित्ता अते उस दिन वर्त रखिया अते उत्ते बोले असा यहोवा दा पाप कीता है अते सामियल ने मिस्पा विच इस्राएलियां दा न्याय कीता। जद फिलिस्तिया ने सुनिया कि इस्राएली मिस्पा विच इकट्ठे होए हन ता उन्ना दे सरदारां ने इस्राएल उत्ते चढ़ाई कीती। सो इस्राएली ये सुन के फिलिस्तिया कोलों डर गए अते इस्राएलिया ने सामियल नु आखिया चुप ना हो पर यहोवा साडे परमेश्वर अगे तरला कर भाई वो सानू फिलिस्तियां दे हत्थों बचावे। सामियल ने एक मेड़े दा दुद्ध चुंगदा बच्चा लेके ओनू पूरी कौम दी बलि करके यहोवा दे अगे चढ़ाया अते सामियल ने इस्राएल दे लई यहोवा दे अगे तरले कीते ता यहोवा ने ओदी सुन लई। जिस वेले सामियल ने उस होम दी बलि नु चढ़ाउंदा पिया सी ता फिलिस्ती इस्राएल दे सामने लड़न लई नेड़े आए। तद यहोवा फिलिस्तियां दे उत्ते उसे दिन बड़ी घड़क नाल गज्जिया अते उन्ना नु खबरा दिता अते वो इस्राएल अगे मारे गए अते इस्राएल दिया लोका ने मिस्फा तो निकल के फिलिस्तियां दा पिछा कीता अते बेत कर दे हेट तोड़ी उन्ना नु मार दे तुरे गए। तद सामियल ने एक पत्र लेके ओनु मिस्फा अते सेन दे विचकार कलियारिया अते ओदा नाव अबन अजर थरिया अते बोलिया जो इतो थोड़ी यहोवा ने साड़ी सहायता कीती। सो फिलिस्ती हार गए अते इस्राएल दिया हद्दां विच फिर कदी ना आए अते यहोवा दा हत्थ सामियल दे जीवंदियां तोड़ी फिलिस्तियां दे विरोध रिहा अते वो शहर जो फिलिस्तियां ने इस्राएल तो को लए सन अक्रोनो लेके
गत थोड़ी फिर इसराइल दे हाथ विचे आ गए अते उन्नांदे उदाले भी इसराइल ने फिलिस्तीन दे हाथों चुड़ाए अते इसराइल और अमोरिया विच मेल होया जद थोड़ी सामील जीवंदा रिहा इसराइल दा न्याय करदा रिहा अते वरे दे वरे बेतेल अते गिलगाल अते मिस्पा विच फेरा करदा सी अते उन्ना सारिया तावा विच इसराइल दा न्याय करदा सी फिर रामा विच मुड़ आउंदा सी क्यों जो उत्ते वोदा कर सी अते उत्ते इसराइल दा न्याय करदा सी अते उत्ते उन्हें यहोवा दे ले एक जगवेदी बनाई। पहला सामुएल दी पोती अध्याय 8 ता अजिहा होया कि जद सामुएल बुड्ढा हो गया ता उसने अपने पुत्रानु इसराइल उते न्याय करन लई ठहराया अते उस दे जेठे दा नाव योएल सी अते उस दे दूजे पुत्र दा नाव अबिया ये दोवे पैरसभा विच न्याय कर सन पर उसदे पुत्र उसदे राव उते ना चले सगो कट्टी दे मगर लगदे अते वड्डी लेंदे अते न्याय विच पक्षपात करदे सन तद सारे इसराइली बुजुर्ग इकट्ठे होए अते रामा विच सामुएल कोल आए अते उसनु बोले वे तू बुड्ढा हो गया है अते तेरे पुत्र तेरे राव उते नहीं चलदे सो हुण तू साडा न्याय करन लई जिखर सबना लोकां विच है किसे नु साडा पादशाह ठहरा दे पर वो गल जो उन्ना ने आखी पई साडे ले एक पादशाह ठहरा दे जो साडा न्याय करे सामुएल नु माड़ी लगी अते सामुएल ने यहोवा अगे बेनती कीती ता यहोवा ने सामुएल नु आखिया लोकां दी आवाज वल अते उन्ना सबना गल्लां वल जो वो तेनु आखन कन ला क्यों जो उन्होंने तेनु नहीं त्याग दिता सगो मेनु त्याग दिता है जो मैं उन्ना उते राज ना करा जददा मैं उन्नानु मिस्रों कड़ लियाया उस दिन तो अज तोड़ी उन्ना सबना कमांदे अनुसार जो उन्नाने किता जिवें उन्नाने मेनु त्याग दिता अते होरना देवतियां दी सेवा कीती अजिया ही वो तेरे नाल कर दे हन सो उन्ना दी गल तू सुन तू भी उन्ना उते उगाही देके उन्ना उनु चंगी तरह दस दे पई जेड़ा पादशाह उन्ना उते राज करेगा ओदी डौल चाल केहो जिही होवेगी। सामुएल ने उन्ना लोकानु जो उस दे कोलों पादशाह मंगदे सन यहोवा दियां सारियां गल्लां दसियां अते उसनु आखिया जेड़ा तोहाडे उते राज करेगा उस पादशाह दा ये वर्ताव होवेगा वो तोहाडे पुत्र नु लेके अपने ले अते अपने रद्दां दे ले अते अपने घोड़े छड़ियां दे ले टहलुए रखेगा अते वो उसदे रत्तां दे अग्गे भजनगे अते अपने ले हजारां उत्ते सरदार अते पंजाहां उत्ते सरदार बनावेगा अते उन्ना कोलों हल बगावेगा अते वाड़ी करावेगा अते अपने ले लड़ाई दे हथियार अते रद्दां दा वलेवां बनावेगा अते तोहाड़ियां तियानू लवेगा जो वो कांथना अते लांगरना अते रसोईना बनन अते तोहाड़ियां पैलियां अते तोहाड़े दाखांदे बागां अते तोहाड़े जेतुंदियां बागानू जो चंगे चंगे होनगे ले लवेगा अते अपनियां टहलवानू दे देवेगा अते तोहाड़े भी अते दाख दी बागां दा दसवंत लेके अपने पुसरिया अते अपनिया टहलवानू दे देवेगा अते तोहाड़े टहलुए अते टहलुना अते तोहाड़े सोने जवानानू अते तोहाड़े कोतियानू लेके अपने कम विच लावेगा अते तोहाड़ियां भेड़ां बकरियां दा
दसवंत भी लेवेगा सो तुसी उस दे गुलाम बनोगे अते तुसी उस पादशाह दे कारण जिनु तुसा अपने ले चुनिया है उस दिन दुहाया देवोगे पर उस दिन यहोवा तुहाड़ी ना सुनेगा तावी लोका ने सामेल दी गल ना मनी अते आख्या नहीं सगो सानू अपने उत्ते पादशाह लोड़ीदा है जे असी भी होर सबना कोमा वर्गे होइए अते साडे पादशाह साडे न्याव करे अते साडे अगे अगे तुरे अते साडे लई लड़ाई करे ता सामीएल ने लोकां दियां सारियां गल्लां सुनियां अते उन्हां नू यहोवा दे कन्नां विच सुनाया। यहोवा ने सामीएल नू आख्या तू उन्हां दी गल सुन अते उन्हां लई इक पादशाह बना। तद सामीएल ने इसराइल दियां लोकां नू आख्या कि तुसी सब आपो अपने सहरां नू जावो। मत्ती दी इंजील अध्याय 27। जा सवेर होई ता सारे प्रधान जाजकां अते लोकां दे बुजुर्गां ने यीशु दे विरुद्ध मता पकाया जो ओनु जानो मार सुटन अते ओनु बन के ले गए और पिलातुस हाकम दे हवाले कीता। तद यहूदा जी ने उसनु फड़वाया सी ये वेक के जो उस उते सजा दा हुक्म हो गया है पछताया अते वो 30 रुपये प्रधान जाजकां अते बजुर्गां कोल मोड़ लियाया अते बोलिया मैं पाप कीता जो निर्दोष जिंद नूं फड़वा दिता। पर वो बोले सानू की तू ही जान अते वो उन्हां रुपयां नूं हेकल विच सुट के चलिया गया और जाके आपे फा ले लिया। अते प्रधान जाजकां ने रुपये लेके आकिया जो इन्हां नूं खजाने विच पाउना जोग नहीं क्योंकि लहू दा मुल है। तां उन्हाने मता करके उन्हां नाल इक कुमियार दा केत परदेशियां दबन लई मुल लिया। इस कारण वो केत अज तिकर लहू दा केत कहाउंदा है। तद जड़ा वचन यर्मिया नबी दे राही कहा गया सी पूरा होया कि उन्हाने 30 रुपये लई अर्थात उसका मुल जिदा इसराइल दे वंश विचों किन्निया ने मुल ठहराया अते उन्हानु कुमियार दे केत दे बदले दिता जीवें प्रभु ने मेनु आज्ञा कीती। येसु हाकम दे सामने खड़ा सी और हाकम ने उस तो ये पुछिया पला यहूदियां दा पादशाह तू है। येसु ने ओनू आख्या तू सत आखिया है। जद प्रधान जाजक और बुजुर्ग उस उते दोष लाउंदे सन वो कुछ जवाब नहीं दिंदा। तद पिलातुस ने ओनू कहा तू सुनदा नहीं जो ये तेरे विरोध किन्निया उगाईयां दिंदे हन। पर उस ओनू एक गल दा भी जवाब ना दिता इतो तिक जो हाकम ने बहुत अचरज मनिया अते हाकम दा ये दस्तूर सी जो उस त्योहार नू लोकां दी खातर इक कैदी जिनू वो चाहुंदे सन चढ़दा हुंदा सी और उस वेले उन्हां दा परबा करके एक नामी कैदी सी। सो जां वो इकट्ठे होए तां पिलातुस ने उन्हां नू आखिया तुसी किनू चाहुंदे हो जो मैं तुहाडी खातिर छड्ड दियां बरबा नू या येसु नू जेड़ा मसीह कहाउंदा है। क्योंकि वो जानदा सी जो उन्हां उस नू खार दे मारे हवाले कीता सी। जद वो अदालत दी गदी उत्ते बैठा होया सी वो दी पत्नी ने ओनू अखवा भेजिया जो तू उस धर्मी नाल कुछ वास्ता ना रख क्योंजो मैं अज सुफने विच उसते करन वड्डा दुख खिड्डा। पर प्रधान जाजकां ते बुजुर्गां ने लोकां नू उभारिया जो बरबा नू मंगो अते येसु दा नास करो। फिर हाकम ने अगो उन्हां नू आखिया तुसी दोहां विच्चों किनू चाहुंदे हो जो मैं तुहाडे खातर छड्ड दियां। वो बोले बरबा नू। पिलातुस ने उन्हां नू कहा फिर येसु नू जेड़ा मसीह कहाउंदा है मैं की करा। वो सब बोले सलीब दियो। पर
उसने आखिया उन्हें की बुरियाई कीती है, पर उन्होंने होर भी दंड पाके आखिया इनु सलीब दियो। जद पिलातुस ने वेखिया जो कुछ नहीं बनदा सगों होर भी रोला पैंदा जांदा है, तद उन्हें पानी लेके लोकां दे सामने अपने हाथ धोते अते कहा, मैं इस दे लहू तो निर्दोष हां, तुसी जानो। अते सारे लोकां ने उत्तर दिता, ओदा लहू साडे उत्ते और साडे औलाद उत्ते होवे। तद उसने बरबा नू उनां दी खातर छड्ड दिता, पर यीशु नु करोड़े मार के सलीब उत्ते चढ़ाउन लई हवाले कीता। तद हाकम दे सिपाहियां ने यीशु नु दीवान खाने विच ले जाके सारा जत्था ओदे कोल इकट्ठा कीता, अते ओदे कपड़े लाके किरमची जोका ओनु पुवाया, अते उन्होंने कंडियां दा ताज गुंद के ओदे सिर उत्ते रखिया, अते एक खाना ओदे सज्जे हत्थ विच दिता और ओदे सामने गोड़े निवाए, अते ओनु ठठा मार के आखिया, हे यहूदियां दे पादशाह नमस्कार। अते उन्होंने उस उत्ते तुकिया और वो खाना लेके ओदे सिर उत्ते मारिया। जद ओनु ठठा कर दे खटे, तद उन्होंने वो जोगा ओदे उत्तो ला लिया और उसे दे कपड़े ओनु पुवाए अते सलीब उत्ते चढ़ाउन ले ओनु ले गए। जद वो बाहर जांदे सन, उन्होंने समोन नामे एक कुरेनी मनुकनु लभिया, ओनु विघारे फड़िया पाई ओदी सलीब चुक के ले चले, अते जा उस ता आए जिदा ना हो गलगत्ता अर्थात कोपड़ी दा थांसी। ता उन्होंने पित्त दे नाल मिलाई होई दाकरस ओन पीन ले दित्ती, पर उसने चुक के ओनु पीना ना चाया। ता उन्होंने ओनु सलीब उत्ते चढ़ाया अते गुने पाके ओदे कपड़े वंड गए और बैठ के उत्ते ओदी राखे करन लगे। उन्होंने ओदे सिर दे उताहा करके ओदी दोस पत्री लाई, ये येसु यहूदियां दा बादशाह है। उस वेले ओदे नाल दो डाकुआ सलीब उत्ते चढ़ाए गए, एक सज्जे अते एक खब्बे पासे, अते आउन जाउन वाले ओनु ताने मार के ते सिर हिला के कहन लगे, तू जेड़ा हेकल नु टाके तिन्ना दिना विच बनाउंदा सैं, अपने आप नु बचा ले, जे तू परमेश्वर दा पुत्र है ता सलीब उतो उतरा। और इसे तरह प्रधान जाजकां ने भी ग्रंथियां ते बुजुर्गां दे नाल मिल के ठठा मारिया अते कहा, उसने होर नानू बचाया, अपने आप नू नहीं बचा सकदा, ये इसराइल दा पादशाह है, हुन सलीबों उतर आवे ता असी ओदे उत्ते नेचा करांगे। ओने परमेश्वर उत्ते भरोसा रखिया सी, जे वो उसनू चाहुंदा है ता हुन उसनू छुड़ावे, क्यों जो ओने आखिया सी, मैं परमेश्वर दा पुत्र हां। और वो डाकू जेड़े ओदे नाल सलीब उत्ते चढ़ाए गए, इसे तरह ओनु बोलियां मार दे सन। दुपहरिया तो लेके तीहे पहर तिकर सारी धरती उत्ते अनेरा रिहा, और तीहे पहर येसु ने ऊंची आवाज नाल पुकारिया कि एली एली लामा सबक्तानी, जिदा अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तैं मैनू क्यों छड्ड दित्ता। अते किन्ने उन्हां विच्चों जेड़े उत्ते खड़े सन सुन के बोले, ये एलिया नू आवाज मारदा है। अते चट उन्हां विच्चों इक ने दौड़ के स्पंज लिया अते सिरके नाल पेवियां और खाने उत्ते बन के ओनु चुमाया, होरना आकिया रहन दे, असी वेकिए पला एलिया ओदे बचाउन नू आउंदा है कि नहीं।
यीशु ने फिर ऊंची आवाज नाल पुकार के जान दे दीती और वेखो हेकल दा पर्दा उपरों लेके हेठां ताई फट के दो हो गया अते धरती कंबी अते पत्थर तिड़क गई अते कब्रां खुल गईयां अते सुत्ते हुए संतां दियां बतेरियां लोतां उठाईयां गईयां और ओदे जी उठण दे पिछों वो कब्रां विच्चों निकल के पवित्र शहर दे अंदर चले गए अते बहुतियां विखाई दिते सुबेदार और जेड़े ओदे नाल येसु दी राके करदे सन उचाल अते सारी वार्ता वेख के बहुत डरे अते बोले ये सचमुच परमेश्वर दा पुत्र सी उते बहुत तीवियां दूरों वेख रहियां सन जेड़िया येसु दे नाल गलील तो ओदी टहल सेवा कर दियां आईयां सन उन्ना विचो मरियम मगदलीनी अते याकूब और योसेस दी माता मरियम अते जबदी दे पुत्र दी माता सी जां संज होई ता यूसुफ नामे अरिमतिया दा एक तनी मनुक आया जेड़ा आप भी येसु दा चेला सी ओने पिलातुस कोल जाके येसु दी लोत मंगी तद पिलातुस ने लोत देन दा हुकम कीता अते यूसुफ ने लोत नु लेके साफ महन कपड़े विच वलेटिया और अपनी नवी कबर दे अंदर रखिया जेड़ी उसने पत्थर विच कुदवाई सी अते पारा पत्थर खबरां दे मोहों उते रेड़ के चलिया गया अते मरियम मगदलीनी और दूजी मरियम उते कबर दे सामने बैठिया सन अगले पलक जेड़ा तियारी दे दिन तो पिछों सी प्रधान जाजक अते फरीसी इकट्ठे होके पिलातुस दे कोल आए और बोले महाराज सन याद है कि वो चलिया अपने जीवंदे जी कह गया सी जो मैं तिन्ना दिना पिछों जी उठांगा इसलिए हुकम करो जो तीये दिना तिकर कबर दी राखी कीती जाए किते ओदे चेले आन के ओनो चुरा ना ले जान अते लोका नू ना आखन पै ओ मुर्दियां विच्छों जी उठिया है सो पिछली पुल पहली नालों बुरी होवूगी पिलातुस ने उनानो आखिया पहरा तोड़े खोल है जावो जिस तरह समझ ओदी राखी करो सो ओ गए और पहरे वालिया नाल पत्थर उते मोर लाके उन्होंने कबर दी राखी करवाई आमीन आमीन सबनान प्यार भरे जय मसीह दी आज जो आपा वचन पढ़िया सी उस विचो कुछ गल्लां नु ध्यान करांगे उत्पत दे किताब अध्याय 28 इस विच आपा वेखदे हां इसहाक याकूब नु सद के आशीष दिंदा पहला इसहाक याकूब नु आशीष देना नहीं चाहुंदा सी पर उन्ना सारे गल्लां जो पिछले दिनां दे विच होया सी ओदे कारण इसहाक नु उन पता लग गया कि परमेश्वर नु याकूब नु आशीष देना ही चंगा लग गया ता हुन याकूब नु इसहाक इदा आशीष दे रिया है कि तेनु परमेश्वर आशीष देवे अते तेरे अंश नु परमेश्वर बदावे तेनु परमेश्वर कोमांदा दल बनावे इस प्रकार वो आशीष देके तू उरे नार अते तू अपने मामे लाबान कोल चले जा याकूब नु लाबान कोल भेज रिया है वो पैरसबा तो चल के हारान देश विच जा रिया सी राह विच लूस नाम दा एक जगह दे विच याकूब आराम करदा सी उदों परमेश्वर ਦੇ ਦੂਤ ਉਸ ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਦੇ ਉਤਰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਇਸਹਾਕ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਸੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ परमेश्वर ओनो इस तां विच आशीष
दे रिया अते परमेश्वर इस प्रकार आशीष दे रिया जिते तू बैठा है इस तानु इस धरती नु मैं तेरे अंश ले देवांगा अते तेरे अंश नु धरती दे तोड़ वांगो मैं वदावांगा अते तू हर पासे फुट निकलेगा अते तेरे विच सारे पृथ्वी दे कोमा आशीष अते बरकत पाउनगिया। इसे प्रकार परमेश्वर आशीष दे रिया जद वो सुपने तो जाग उठदा अते वो उस्तां दे विच जेड़े पत्तर नु सिराने बना के सोया सी उस पत्तर नु परमेश्वर दे ले तम बनाया अते उस उते तेल डोलिया अते परमेश्वर दे ले उस तां दा नाव बथेल रखदा अते ये आखदा जे मेरा परमेश्वर मेनु वापस मुड़ के मेरे देश विच पहुंचावे ता जो कुछ वो मेनु देवेगा उस विच मैं ओनु दसवंत देवांगा। ये आख के उस तातो याकूब चलदा होया इस अध्याय दे विच वेख देगा। इसे प्रकार पहला सामियर दी किताब अध्याय 7 फिलिस्ती इसराइलियानु दबाऊं दे अते इसराइली उन्नानु वेख के डर दे। सामियर इसराइलियानु बुला के कलदा है कि तुसी अपने विचकार जो अस्तरोत है उसनु तुसी कड़ सुड़ो जिदे पीछे तुसी चल के परमेश्वर दे खिलाफ पाप कर दे हो उसनु तुसी तोड़े विचों कड़ सुटो अते सिर्फ परमेश्वर दी उपासना करो। जे तुसी परमेश्वर कोल मुड़े ता वो तुहानु इन्ना फिलिस्तियां दे हत्था विचों बचावेगा ता इसराइली मुड़ जांदे अते उन्ना अस्तरोतान वो अपने विचों खड़ सुट दे अते सिर्फ परमेश्वर दी सेवा कर दे। इस तो बाद जद सामियल होम दी बलि चढ़ा के इसराइल लई परमेश्वर दे सन्मुख तरला करदा उदो परमेश्वर दा क्रोध भड़क उठदा अते वो बड़ी खड़क नाल उन्ना उते खजदा अते वो इसराइली दे सन्मुख हार जांदे अते वो इसराइली तो भजदे होए इस अध्याय दे विच वेखदे हां। बहुत बड़ी जित इसराइली पाउंदे अते परमेश्वर दी महिमा करदे। इसे प्रकार पहली सामियल दी किताब अध्याय 8 इस विच इसराइली सामियल कोल आके के बोल दे तेरे पुत्रा ने तेरे वांगू नहीं वो पक्षपात कर दे वो साडे कोलो रिश्वत लेंदे वो तेरे वांगू नहीं इसलिए साडे ले एक राजा नु दे। इस गल सामियल दी निगाह दे विच बुरी लगदी ओ गल परमेश्वर दी निगाह विच भी बुरी लगदी पर जद सामियल इन्ना गल्ला नु परमेश्वर दे सन्मुख ले आया परमेश्वर आखदा उन्होंने तेनु नहीं रदिया सगो मेनु रदिया है इसलिए उन्होंने कहने अनुसार उन्होंने कर दियो पर करन तो पहला उन्होंने आको राजा उन्होंने किस प्रकार वर्तावा करेगा जिमे यहोवा परमेश्वर आखदा सामिए उन्ना गलानो वो इसराइलियानो दस दिंदा फिर भी इसराइली कहंदे साडे ले राजा दियो। इसराइली उत्ते परमेश्वर जो राज करदा सी पर इसराइली परमेश्वर नु रद्द कीते। इसे प्रकार आपां वेखिए मत्ती दी इंजिल अध्याय 27 विच वेखदे हां प्रभु येसु मसीह नु यहूदी दे राजे नु यहूदी रद्द करदे वो येसु मसीह नु फड़के पिलातुस कोल सौंपदे। जद ये गल यहूदा इस्करियोत नु पता लगदा जो मैं कीता बहुत बड़ी पाप है वो जाके उन्ना प्रधान जाजकां कोल उस पैसे नु वापस करदा अते आखदा मैं निर्दोष दी जिंद नु तोड़े कोल फड़वा दिता पर वो आखदे सानू की है वो उत्ते उस पैसा नु सिट के जाके वो फाल लेके मर जांदा। यहूदी फिर भी यीशु मसीह दे प्रति नहीं समझदे जद वो उस पैसे तो
कुम्हार दा उस केत नु मुल लेंदे उदो भी उना दी अखियां नहीं खुल दियां जो नबियां दे रागी कहे हुए गल्ला अनुसार अपने नाल हो रिया उना दे अखां बंद ही रहंदा पर वो चाहंदे यीशु मसीह नु सूली उते चढ़ाउन वो आखदे यीशु मसीह नु सूली उते चढ़ाओ पराया कोमा दे उस हाकम पिलातुस आखदा है इदे विच में कोई कमी नहीं वेखिया इनु मैं कोड़े मार के चढ़ना चाहंदा हां पर वो कहंदे साडे ले बरबानु सड्डो पर यीशु नासरी नु सूली उते चढ़ावो जिस प्रकार वो आखदे यीशु मसीह नु सूली उते चढ़ाउंदे जद यीशु मसीह दा मौत हो जांदा उदो धरती कंबदी अते खबरां खुल जांदियां अते परमेश्वर दे उस पावन दे फड़ दे दो टुकड़ा हो जांदा फिर भी वो नहीं समझदे प्रधान याजक चाहंदे किसे भी प्रकार इस गल नु दबाइए ताकि लोकां नु ये ना पता चले ये परमेश्वर दा पुत्र है पर जेड़े प्रभु यीशु मसीह नु चढ़ाए सी उन्ना रोम सरकार दे अफसरा ने ये ऐलान कर दे सचमुच ये परमेश्वर दा पुत्र है प्रभु दे प्यारियो इना सारे अध्याय दे विचो अपा एक गल वेख दे हां याकूब परमेश्वर नु दर्शन पाके प्रभु दे ले डरदा अते ओनु कबूल करदा इसे प्रकार इसराइली भी कुछ दिन परमेश्वर नु कबूल कर दे और कुछ दिन परमेश्वर नु रद्द कर दे जदो भी उना दे विच खार परेशानी आ जांदा मुड़के परमेश्वर को आंदे जद उना तो परेशानी परा हो जांदा फिर परमेश्वर नु रद्द कर दे सच्चा पादशाह नु वो रद्द कर दे सारे अध्याय दे विच सच्चा पादशाह रद्द कीता जांदा है पर जेड़ा उसनु याकूब वांगो कबूल करदा है वो दलां दा पिता बनेगा ओदा घर बसाया जावेगा इना सारे वचना दे रही प्रभु तुहानू आशीष देवे जय मसीह दी गॉड ब्लेस यू